जिले में आज एक हृदय विदारक घटना हुई जब कुचायकोट थाने के भोपतपुर के समीप गलत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल से वापस आ रहे बच्चों को कुचल दिया, जिससे 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना के बाद सभी बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से प्राथमिक इलाज के बाद PMCH पटना के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने परिजनों संग NH को आगजनी कर जाम कर दिया गया तथा हंगामा करने लगे। उधर जैसे ही घटना की सूचना मिली, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं SP आनंद कुमार अस्पताल पहुंचे तथा बच्चों का हाल जाना, जिसके बाद उन्होंने लोगों से धैर्य बरतने की अपील की तथा कहा कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गोपालगंज। बलथरी चेक पोस्ट के पास से पहले रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रक ने स्कूल से जा रहे बच्चों के को धक्का मार दिया है। कुल 5 बच्चे घायल हैं हमारे, जिसमें कि कुछ बच्चे ठीक हैं और कुछ को हम लोग रेफरल कर रहे हैं, और रेफरल में हमारी टीम यहां से जो मेडिकल टीम है वो भी वहां जा रही है, और हम आप देख रहे होंगे यहां पर सदर अस्पताल में हमारे चिकित्सक और पूरी टीम उनके इलाज में लगी हुई है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि बच्चे अभी ठीक हैं, उनको हम लोग रेफ़र भी कर रहे हैं हायर सेंटर पे, तो धैर्य रखें और किसी भी तरीके का आक्रोश है तो उसे अभी धैर्य रख करके कंट्रोल रखें। मैं अनुरोध करता हूँ। चालक फरार हो गया है क्या? उसकी अभी सूचना नहीं मिली, अभी तो हम लोग मानवता का इलाज कराने में हम लोग लगे हैं। जब पकड़ा गया ट्रक चालक पकड़ा गया है और हमारी टीम वहां भी पहुंची हुई है, बलथरी चेक पोस्ट के आसपास की हमारी टीम।